हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्ट्रीम। तो हम ये वाली जगह पर थे, ऑलमोस्ट मेज है ये जगह, सेकंड स्टेज है इसकी। तो मैं जस्ट थोड़ा बहुत ग्राइंड कर रहा था ताकि थोड़ा बहुत लेवल अप हो जाए मेरा। तो मैंने एक आध वेपन्स का वो बढ़ा दिया था, फेमिलैरिटी, ताकि मेरे पास थोड़े बहुत वेपन स्किल पॉइंट्स भी बढ़ जाएँ। तो मैं सोच रहा था आज मैं सॉर्ड यूज़ करूँ, तो उस सॉर्ड की मैंने पहले से ही फेमिलैरिटी फुल कर दी है, ये रही, बिकॉज मेरे पास मैक्स लेवल की सॉर्ड यही है। तो आज ये वाली सॉर्ड को ट्राई करेंगे। होप मेरा माइक म्यूट नहीं है। हाँ नहीं है। एंड बाकी एक बार आर्मर तो मैं अभी नहीं ले सकता कोई अच्छा भी, और मेरे पास थोड़े आइटम हैं जैसे समुराई हेयर मिले थे, निंजा लॉक्स मिले थे मेरे को, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़े और स्किल पॉइंट्स आ जाए और मैं उनको यूज़ करके अपने स्किल इंक्रीज़ कर सकूँ। मेरे पास समुराई के भी थे यार, मेरे को लास्ट वाले ये रहे। सो अब थोड़ा स्किल लर्न करते हैं, सॉर्ड का करते हैं, बिकॉज सॉर्ड का मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। ये की डैमेज है, अटैक तो अच्छा लग रहा है, प्ले मूवी। अच्छा, ये वो अटैक है जो रेवेनेंट मारते हैं, तो ये वाला अटैक एक बार अनलॉक कर लेते हैं। ओके, मेरे पास सिर्फ दो ही स्किल पॉइंट हैं। फॉलोअर्स ऑफ कॉम्बो विद अ स्लैश वाइल स्टेपिंग बैक, ये अच्छा है, डॉज भी है इसके अंदर। फॉलोअर्स ऑफ कॉम्बो विद अ जंपिंग स्लाइस, अरे नाइस, पर ये हाई में है, मैं हाई बहुत कम यूज़ करता हूँ। मिड स्टेंस एक्टिवेट्स व्हेन यू रिकवर फुल की फ्रॉम माय मिड स्टेंस पैरिस एंड ओपोनेंट अटैक। ओके नाइस, तो ये अच्छा है, पीछे आ जाएगा, मेरे पास पैरी भी आ गया है। ओके, अभी स्पीयर निकला हुआ है बाहर, एक्स से बोल रहा था ना ये, का कुछ एनिमेशन नहीं आ रहा पैरी का। एल बी वाइल गार्डिंग सॉर्ड का ही है ना ये, उदाची का तो नहीं है, ये उदाची तो नहीं उठा रखी मैंने, इसका नाम क्या है, आई थिंक मैंने उदाची ले रखी है, नहीं सॉर्ड ही है, आई डोंट नो ये पैरी क्यों नहीं कर रहा। ओके, वो मिड स्टैंस में थी, ये रहा पैरी, नाइस। तो मिड स्टैंस में चलाते हैं, लेकिन ये वाले डीमेंस के लिए तो लो स्टैंस में ही चलानी पड़ेगी। और एक और चीज़ है दिखाने की जो मैंने ग्राइंड करते हुए देखी थी, एक स्पेशल एनिमी है जो दिखता नहीं है इतनी आराम से, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। वो जस्ट यहाँ नीचे ही है, चलो। तो हुआ क्या था, जैसा याद होगा अगर आपने पुरानी स्ट्रीम देखी हो, यहाँ पे रेवेनेंट की सॉर्ड थी, तो मैं ग्राइंड करते हुए उससे लड़ लिया था। ऊपर एक बार ये बोमैन को मार देता हूँ, जो ये एरो वाला है, आर्चर को, ओके सॉरी, मेरे को एक बार वापस जाना पड़ेगा प्रे करने के लिए, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा अमृता पड़ा हुआ है, तो मैं लेवल अप कर सकता हूँ। जो मैं वहाँ पे मरा था, मैं वहाँ से अमृता वापस ले आया, तो उसमें 30,000 पड़ा हुआ था और 20,000 मैंने ग्राइंड किया है, तो मेरे पास अभी 50,000 है, तो मेरे को अभी 9 लेवल अप्स कर सकता हूँ मैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक तो मैं 4 पॉइंट स्पिरिट में डालूँ, बिकॉज मेरे को अभी बहुत ज़्यादा उनसे लड़ना है, जो योकाएँ हैं, 2 पॉइंट स्किल में डालूँ और 2 पॉइंट बॉडी में डालूँ ताकि मेरी हेल्थ भी बढ़े। स्किल में इसलिए डालें, अच्छा अब मुझे सॉर्ड के लिए डालने चाहिए थे, बिकॉज मैं सॉर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे हार्ट में डालने चाहिए थे स्किल की जगह। चलो कोई बात नहीं। सो
अब देखें मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं। अभी भी मेरे पास 10,000 पॉइंट्स हैं और मुझे लेवल अप होने के लिए 7,000 चाहिए। मैं अभी भी कर सकता हूँ लेवल अप, आई डोंट नो, पहले आ क्यों नहीं रहा था। तो हार्ट भी मैंने लेवल अप कर लिया है, अब 8,000 चाहिए था, 4,000 मेरे को चाहिए। लेट मी चेक, मेरे पास स्पिरिट स्टोन है 500 वाला है, ये 400 900 हो गया, तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा इससे। हाँ तो उस एनिमी की तरफ चलते हैं, पहले इसको मार देते हैं वापस से। इसको भी मारना ज़रूरी है, बिकॉज अगर इसको नहीं मारा तो ये जब मैं उस बीच से लड़ रहा हूँ ना तब ये आ जाएगा, बिकॉज वो नीचे ही है। तो शॉर्टकट को यूज़ करते हैं। आपको याद होगा एक रूम था जहाँ पे वो कैट जो थी वो आई थी, मैंने बोला ये यहाँ पे क्यों आ रही है, इसका मतलब क्या रीज़न था। तो इसलिए आई थी बिकॉज उस जगह पे भी ये सेम बीस था, बट हमको दिखा नहीं था बिकॉज ये दिखता नहीं है। पर ध्यान से देखो तो इस वॉल में दो होल है और मैं इसके पास जाता हूँ तो इसमें आँख आ जाती है जो कि मुझे गुस्से से देख रही है। अभी मुझे गुस्से से देख रहा है बिकॉज ये ऑलरेडी एंग्री है, वरना ये नॉर्मली देखता है। इसको एक हिट मारा तो ये गुस्से से देखता है, फिर दूसरे हिट पे एग्रो हो जाता है। तो पीछे एक और था, मैंने उस वाले को तो मार दिया है, अब इस वाले को मारना है उसके इन, क्योंकि इस जब ये मरेगा तो इसके पीछे थोड़ा सा एरिया खुल जाएगा, छोटा ही होता है, एक दो चेस्ट होती हैं बस। ऐसा नहीं है कि कोई पूरा का पूरा न्यू एरिया है जो इसके पीछे हिडन है, छोटा सा ही एरिया होता है। तो इसको एग्रो लेते हैं एंड सीधा अपने इसमें चले जाते हैं बिकॉज इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा है। और ये गया, अनयूजुअल आर्मर मिला मुझे। इसके पीछे यंग समुराई लॉक्स, ओके मेरे को और स्किल पॉइंट्स मिल गए हैं सो यूज कर लेते हैं। तो मेरे पास अभी 7 समुराई पॉइंट्स हैं। परफॉर्म सिंगल पावरफुल स्ट्राइक, देखे क्या है ये भी अच्छा लग रहा है। ओके मैं उदाची में हूँ इसलिए लेट्स सी दिस वन, फॉलोज अप कॉम्बो विद अ किक। ओके ये ऑब्वियसली मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मिड और लो में होता है, हमेशा किक मारता है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज करती है की को, और योकाई के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और देखते हैं नीचे, डिस्पर्सिस की फ्रॉम योर सॉर्ड टू स्टन अराउंड एनिमीज, अरे ये भी अच्छा है, लेकिन आई थिंक मेरा पैरी एक्स से है तो मैं ये भी ले सकता हूँ, 3 पॉइंट्स का ही है। वाइल लिविंग वेपन इज एक्टिव होल्ड वायर टू क्विकली स्लैश द सराउंडिंग एनिमीज, अरे ये भी अच्छा है। फॉलोज अप कॉम्बो विद अ स्लैश वाइल स्टेपिंग बैक, अच्छा ये तो देखा ही था। हाई स्टैंड्स में मैं जाता नहीं ज़्यादा, पैरिस एनिमीज अटैक न्यूट्रलाइजिंग इट, ओके एक ये, अरे यार ये वाला था ना, एंड दिस इज ब्रेक्स ओपोनेंट गार्ड देन यूजेस योर गार्ड टू नॉक देम टू द ग्राउंड, व्हाट इज दिस, लो स्टैंड्स फॉलोस अप कॉम्बो विद अ किक दैट लॉन्चेस एनिमी अप देन फिनिश अप विद अ डाउन स्लाइस, ओके ये अच्छा लग रहा है, बट पैरी ज्यादा अच्छा है। ये मुझे सिर्फ बैक पे लेके जाएगा और ये वाला
भी बैग पे लेके जाएगा। आई डोंट नो, ले लेते हैं ये वाला, ले लेते हैं और ये वाला ले लेते हैं। तो इसके पीछे ये है वेटस्टोन और लाइटनिंग एमुलेट। आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे एक एनिमी छुपा होता है, यहाँ वाला योकाई मैं मार चुका हूँ तो वो रिस्पॉन नहीं होगा बिकॉज वो रेल वाला था। दिस गाय इज ऑल्सो डेड। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एक रेवेनेंट था उसको मैंने मार दिया है। वो जस्ट वहाँ पे इधर पे एक रेड कलर की सॉर्ड होती है तो उसको मैं मार चुका हूँ। और ये वाला एनिमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है सो मैं यहाँ जाने का कोई तुक नहीं बनता। वहाँ पे उस रेवेनेंट को और एक कोदामा जो कि बिल्कुल एकदम वहाँ पीछे एंड में होता है उसके, वो क्या है, श्राइन है। अरे वाह, ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे श्राइन है, बट वो वाला रास्ता वहाँ नहीं लेके जाता उस श्राइन का, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बिकॉज वहाँ पर जस्ट एक वॉल थी। तो ये श्राइन ज़रूर कोई दूसरा रास्ता जाता है। ओके ये रास्ता जाता है तो यहाँ बीच मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा और उस योकाई से लड़ना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत पतली सी जगह है योकाई से लड़ने के लिए, मेरे को मेरा अमृता यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पे श्राइन है तो बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोसीड करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ योकाई को मारने का, जाते ही अपना ये यूज़ कर लूँगा लिविंग वेपन। देखो उसका स्टैमिना चला गया, एंड ही इज डेड। तो ये गया, श्राइन अनलॉक हो गई हमारी। अब नीचे वाला एरिया बचा है। ओके ये वो लैडर होगी जो मैं कल ऊपर चढ़ा था। कैसे बात कर रहा है, अच्छा किससे बात कर रहा है भैया, कमेंट्री तो करते रहनी चाहिए चाहे कोई भी ना हो, लेकिन थोड़ा तो डिले होता ही है। अगर कोई आएगा तो पता भी नहीं लगेगा, वो मेरे को बस चुप मुंह पे देख के वो चले जाएगा तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, बंदा बोर होके चले जाएगा। बात तो करते रहनी चाहिए। सो इस एरिया में मैंने बहुत सारी योकाई मार दिए थे बट वो वाला रिस्पॉन हो रहा है, वहाँ पे रेवेनेंट भी है। तो पिछली बार यहाँ पे बहुत सारे आ गए थे जैसे ये है, तो पहले इनको मार देते हैं वरना ये बाद में दिक्कत देंगे। Let's kill these guys first. Okay, एक और समुराई स्किल पॉइंट मिल गया मेरे को। यहाँ पर एक और होता है जहाँ तक मेरे को अच्छी तरह याद, ये रहा। आई डोंट नो इसको बुलाऊँ कैसे, वो एग्रो ना ले ले, बस प्रॉब्लम वही है, सामने वाला ना एग्रो ले ले। okay, उसने नहीं लिया, ये आ रहा है। Let's kill this guy now. अच्छा भाई एक और मार, नहीं मारो। ये किसको मार रहा है, स्टैमिना नहीं है, स्टैमिना रिकवर करना पड़ेगा। इसका हैवी अटैक बहुत फास्ट है शॉट का, तो बहुत ही अच्छा वेपन लग रहा है मेरे को। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है अभी फिलहाल, और इधर उधर भी एक बार देख लेता हूँ। एक ये रहा, क्योंकि उससे बच के जब मैं भाग रहा हूँगा तो आई डोंट वांट कि कोई और आ जाए। ओके ये वाला शॉट यूज कर रहा है, ये ब्लॉक नहीं करते बिल्कुल भी।
सामने योकी है बड़े वाला। आई थिंक ये एरिया क्लियर ही है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे और कोई एनिमी है इस वाले को छोड़ के। सो मैं इसको बो मार के पहले स्टैगर करता हूँ, एक फिनिशिंग ब्लो लेता हूँ एंड उसके बाद फिर देखते हैं इसका क्या करेंगे। इसके आई थिंक आँख है वीक स्पॉट, इसका हॉर्न नहीं है, मोस्टली के हॉर्न होते हैं। लेट मी चेंज माय वेपन टू स्पीयर क्योंकि इससे दूर की फाइट लेनी है मुझे। ओके बहुत क्लोज था ये। ओके मैं इससे दो मार सकता हूँ एटलीस्ट। ओ ओ ओ ओ ओ ओके वो आंख उससे बंद दे रही तो उसका स्टैमिना रिकवर हो गया। मेरे को इसको थोड़ा पीछे लाना पड़ेगा वापस क्योंकि दूसरा योकी आ जाए वो मैं चाहता नहीं। योका है आई मीन। किधर गया ये? ओ भाई साहब क्या आ रहा है? अब ये मुक्का ही मारेगा, भाग के आ रहा है। अरे कितनी देर तक आएगा? इसका स्टैमिना जा रहा है लेकिन आई थिंक उससे नहीं जा रहा। अब बढ़ा रहा है ये ग्रैब अटैक। ओ शिट कूद नहीं रहा ये। Guy is dead. However, मेरे elixirs बहुत ज़्यादा खा गया है ये। I think दूसरे किसी enemy ने तो मेरे को देख लिया। Okay, दूसरे योगी ने भी मेरे को देख लिया। Let me try sword on this one. वापस जा रहा है क्या? Okay, वो वापस जा रहा है। Let me try to headshot. Okay, उसका stamina ख़त्म। Finishing blow. स्टैमिना अभी भी खत्म है। ओके उसने रेल्म बना लिया है, स्टैमिना तो फुल कर ही लेगा। ओके वन हिट तो मैं मार सकता हूँ, आई थिंक दो भी मार सकता हूँ मैं। हाँ दो हिट मार सकता हूँ मैं इसको। कम ऑन बड़ी। बार तीन हिट इसलिए मारी है बिकॉज उसका स्टैमिना बिल्कुल खत्म है और वो स्टैगर होएगा मेरे अटैक से। सो ही इज डेड। एलिक्सर भी दे दिया, 6 एलिक्सर है मेरे पास बट स्टिल मैं मैक्स 8 रख सकता हूँ, 8 अभी है नहीं। ये वहां पे एक छोटा एनिमी है, ये वाली वो जगह है जहां पे मेरे को वो टर्टल सा मिला था तो उसको तो मार दिया। वो भी रिस्पॉन नहीं होता बट यहाँ पे रेवेनेंट है तो इसको मारते हैं। रेवेनेंट के पास कौन सा वेपन है इससे पता लग जाता है। यहाँ पे एक्स दिख रही है तो ये वाले रेवेनेंट के पास एक्स है तो एक्स वाले बहुत ज़्यादा इजी होते हैं बिकॉज वो अपना स्टेमिना खुद ही कम कर देते हैं अपने ही अटैक से। लाइक ओके मैंने थोड़ा जल्दी दिखा दी। सो उसने अपना स्टेमिना ख़त्म कर दिया है
आई कैन डू अ फाइनल ब्लो ऑन हिम, जो या जो भी होगा ये, ये अपना स्टैमिना खत्म करेगा, एक और बार मारेगा एंड अगेन फाइनल ब्लो। सो उसने हैवी आर्मर दिया मेरे को, मेंगू वाला। एंड लेट्स किल दिस गाय नाउ, देखते बैक स्टैब आता है या नहीं, बिकॉज एक बार पिछली बार तो आया था। नहीं यार, गोल्ड ले लेते हैं जो गिरा हुआ है। एक और है सामने रेवेनेंट, बट उसके पीछे गियोकई भी है, तो पहले इस रेवेनेंट को मार लेते हैं। आई डोंट थिंक वो एग्रो लेगा, और ये वाला स्पीयर वाला है। ओके मैं आई थिंक फंस गया हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा गार्ड कर रहा है ये। ओके मेरे से फास्ट है। एंड ही इज डेड। एलिक्सर्स खत्म हो रहे हैं मेरे। इस वाले ने 16 ग्लोरी दी मेरे को, ज़्यादा दिया है। हेलो डिलाइट्स, वेलकम टू द स्ट्रीम भाई। क्या चल रहा है? तो यहाँ पे एक भाई साहब चल रहे हैं, इस पे आ रहा है लेकिन उस पे नहीं आया था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये थोड़े झुके हुए होते हैं तो ये उसको लेट हुए की पोजीशन में एज्यूम करके ये वाला किलिंग ब्लो ऑफर कर देता है हमको, बट आई डोंट नो, कभी कभार नहीं करता। ओके सो बैट्स गए, लुकिंग हैंडसम। अरे धन्यवाद भाई। तो ये वही जगह है जहाँ मैं श्राइन के लिए गया था, सेम जगह है, और मैं यहीं से ड्रॉप होकर श्राइन के लिए गया था। तो मैं अगर यहाँ जाता तो ये बैट्स मुझे नीचे गिरा देते। और सामने मेरे गियोकाई है, इसको मैं मार चुका हूँ पहले भी। इसके आगे जस्ट एक आइटम ड्रॉप होती है, वो मैं ले चुका हूँ। ज़्यादा कुछ खास आइटम नहीं है, नॉर्मली होता है। सो उसको मारना मैं वर्थ नहीं समझता, बिकॉज अगर अभी उसको मारने लगा तो मेरी हेल्थ फिर चली जाएगी एंड मेरे को और एलिक्सर यूज़ करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी पहले इतने एलिक्सर्स यूज़ कर चुका हूँ। सर टेक्स लुकिंग हैंडसम, थैंक यू भाई, मजाक उड़ा लो तुम। थोड़ी दाढ़ी आ गई है वैसे पहले से तो। ओके सो अभी तीन योकाए हैं, दो वहाँ हैं, एक वहाँ है और एक वहाँ है, चार हैं। और अभी पता नहीं आगे और भी होंगे, और एक रेवेनेंट भी है उधर। सो लेट्स ट्राई टू किल दिस गाय फर्स्ट। जल्दी से भागते हैं इसकी तरफ, किलिंग ब्लो लेते हैं और पीछे आ जाते हैं। इसके लिए मिड स्टेंस में चले जाता हूँ, बट मिड स्टेंस में आई थिंक कि क्या, अरे यार उसका स्टैमिना नहीं है, फालतू में पीछे आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब तो पीछे ही रहते हैं। इसका मूव सेट थोड़ा अलग है। अरे उसका स्टैमिना खत्म होने वाला है, तभी उसने ये वाला अटैक मारा है। एंड स्टैमिना गया, नाउ आई कैन स्पैम माय अटैक्स ऑन हिम, बट मेरा खुद का स्टैमिना खत्म हो गया।
यही अटैक है जिसने मुझे पिछली बार नहीं मारा था एंड आई एम गॉन। इसका यही अटैक बस मेरे को दिक्कत दे रहा है। इसके दो स्ट्राइक के बाद तीसरी स्ट्राइक से कभी बचता है कभी नहीं बचता। कोई बात नहीं, अब तो हम पास में ही है, मेरा वो भी पास में ही है। अच्छा वो बच गया वरना ये पॉइजन कर देता। जीजी नाइटबर्ड हो गया। YouTube does not support retrieval setting stream game at this time। कर दिया क्या इसने टाइटल चेंज? तो पहले मेरे को ये लेना पड़ेगा, देन मेरे को इसको मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक योकाय ऑलरेडी है, यहाँ पे घूम रहा होता है योकाय। और वो वाले वैसे स्पॉन वाले नहीं है जो ऐसे शैडो में से आते हैं, तो ये वाले योकाय बार बार रिस्पॉन होते हैं जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो वाला ही होगा का चला गया ये रहा। इसको घूमने देते हैं। टाइटल लोलवा ऐसा नहीं होता आशीष भाई। देखो ये वाला खा रहे हैं। अरे कॉल क्यों कर रहे हो यार आशीष भाई, कॉल मत करो यार। पे आ दो डिस्कॉर्ड पर ही, तुम तो आ सकते हो, तुम्हारी आवाज भी जाएगी स्ट्रीम पे। कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो। ये मेरे को एंटीटोड लेना पड़ेगा। ओके इसने भी देख लिया मेरे को बहुत ही गलत टाइम पे। मर गया, दूसरे वाला नहीं मरता है। दूसरे वाला गया कहाँ? हंजो। अच्छा दूसरे वाले को तो मैंने बुलाया था। ओके फाइन फाइन फाइन, दूसरा वाला वो रहा आगे। वही सोच रहा था दूसरा वाला रोम क्यों नहीं कर रहा है, कौन कॉल कर रहा था? इताची कौन? उसने रन बना लिया पास आते ही। ओके ये जगह थोड़ी ऑड है, थोड़ा ओपन में आते हैं। यहाँ पे आओ भाई, अब थोड़ा मार सकते हैं इसको। दिस टाइम इज डेड। एलिक्सर भी मिल गया, 7 एलिक्सर हो गए हैं। BRB ओके भाई। अब प्रॉब्लम है ये दो कट्ठे हैं एंड आई थिंक दोनों ही मुश्किल वाले हैं।
लेट्स ट्राई टू टेक आउट गन, क्योंकि ये कहाँ से आया? ओ वहाँ ऊपर भी है एक, चलो इसकी तो मुंडी गई। मेरे पास बुलेट्स भी हैं तो आई थिंक बुलेट ज़्यादा डैमेज करें, बट या शॉट ओके, हाफ हेल्थ गई उसकी। लेट्स ट्राई टू डू इट टू दिस गाय आल्सो। पत्थर मार रहा है वहां से, वैसे दोनों ना आ जाए एक बारी में, एक है वो वापस जा रहा है तो इससे मजा ले लेते हैं। आग बंद कर ली, ये रिकवर कर रहा है। अरे यार गलत टाइम पे भागा, ये आग पर ही था मेरा बिल्कुल टारगेट इसकी, ये मुक्के मारने के चक्कर में ही आ रहा है। कूद भाई, लो स्टैंस में जाना है, डैमेज कम होगा बट फास्टर है। ये एनिमेशन बड़ा अच्छा है इसका साइड वाला। चलो ये मर गया, अब वो छोटे वाला बचा है वो भी आधी हेल्थ के साथ, और इससे एलिक्सर भी दे दिया। सो आई एम एट मैक्स एलिक्सर्स नाउ, 8 से ऊपर एलिक्सर्स जाते नहीं है अभी पाउच में हमारे। तो ये लास्ट भाई साहब बचे हैं, आई डोंट नो हिज बूट सेट आल्सो, बट इसकी हाफ हेल्थ तो जा ही चुकी है। ओके रेड आ रहा है अभी भी, सो आई कैन स्टन हिम अगेन एंड जस्ट गिव हिम अ किलिंग ब्लो। Okay, let's search this. And we have this revenant here. और ये, अरे यार ये बहुत गंदे होते हैं जो ये चलाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, ट्राई करते हैं। वन टाइम फाइट ही है, इसका स्टैमिना डिप्लीट करना है किस तरह, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं ये। I don't know which stance he is in. I think high में है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा, अरे अरे okay, now it's fine. ये कहाँ से आ गया? अरे ये एक और कहाँ से आ गया? ओ शिट, यहाँ पे एक और योका है, बहुत क्लोज था मैं। आई थिंक वो उसी को मार रहा है, नहीं ही इज स्टन्ड एंड ही इज डेड। ये कहां से आ गया मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये भाई साहब। अच्छा ये वही स्पॉन हुआ है, मैं लड़ते लड़ते आई थिंक वहां तक चला गया था, तभी ये यहीं पे खड़ा है। स्टन हिम, ये वाला फिर दोबारा रिस्पॉन नहीं होगा। बस एक यही वाला अटैक है इसका जिसके बाद ये वल्नरेबल होता है। ट्राई टू गेट हिज आइज अगेन, कूद भाई कूद। ओ बच गया, ओके स्टैमिना नहीं है बिल्कुल भी उसमें, एंड एलिक्सर भी दे दिया उसने एक्स्ट्रा, बहुत सारा माल दिया इसने एंड पर्पल बहुत सारा दिया। स्किल कस्टमाइजेशन, ओके मैं इसको नहीं यूज कर रहा, आर बी बहुत अच्छा अटैक है।
सो ये एरिया भी क्लियर हो गया है। वहाँ ऊपर जाना है मेरे को, तो ऊपर ये यहाँ पे रास्ता है। या एम्बुश ना हो, मुझे बस डर लग रहा है कहीं एम्बुश ना हो। ओके कुदा, ये क्या है, कुदामा का हाथ दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो हियर समवन ऑल द दिस। अच्छा मैंने सारे ढूंढ लिए, नाइस। अच्छा वो रहा, उसके पीछे है चेस्ट के, वो रहा। मेरे को एम्बुश करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पाया। लेट्स ओपन दिस चेस्ट। पैरालिसिस, स्पिरिट आयरन चंग, स्पिरिट स्टोन। रेपुटेशन बहुत बढ़ रहा है लेकिन मैं उसका कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। 7 प्रेस्टीज पॉइंट्स पड़े हैं मेरे पास, तो ये और बढ़ा लेते हैं क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम डैमेज होता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ लिविंग वेपन्स ये भी बढ़ा लेते हैं, बिकॉज जब वो मेरे को मारते हैं तो मेरा वो लिविंग वेपन का बार बहुत जल्दी कम हो जाता है। ऑन म्यू मैजिक पावर ये पता नहीं, हेल्थ बढ़ा लेते हैं। एलिमेंटल अटैक डैमेज, लक वर्सेस योकाई रेल, इसको करते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ लिविंग वेपन्स, यस यस दिस वन। अमृता अर्न, ये सारा ऊपर वाला ही बढ़िया आ गया। रेपुटेशन पॉइंट्स क्या है, ये टाइटल लिस्ट, की मास्टर, ओके, डेविल कटर, ड्वेलर कटर, कापा कटर, बहुत सारे हैं। आई डोंट नो इनका कुछ बनता भी है नहीं बनता। मेरे पास कितने स्किल पॉइंट्स हैं, 2 हैं, सो लेट मी चेक अगर मैं कुछ, ओके आई कैन फॉलो द कॉम्बो विद, हाँ ये कर लेते हैं। बट मेरे को अच्छा वही लगता है लेग वाला, तो मैंने नो इसलिए किया है ताकि हाई स्टैंड्स में मेरे पास अब ये वाला टाइम रहे और मिड में मेरे पास लात रहे और लो में भी मेरे पास लात ही रहे, बट मैं हाई स्टैंड्स यूज करने नहीं वाला ज्यादा, बिकॉज बहुत ज्यादा स्टैमिना ले जाता है। अपना लो स्टैंस में रहते हैं। शिंजुकु मेडिसिन, ये भी पर्पल है। सीक्रेट मेडिसिन मेड बाय लेजेंडरी टैलेंटेड डॉक्टर डोसार, ओके ये पूरी HP रिस्टोर करती है। योका इंसेंस अट्रैक्ट्स योकाई, नॉर्मली इंसेंस प्योरीफाइज एयर बट दिस इंसेंस वॉज मेड फ्रॉम ट्री ओल्ड इनफ टू टर्न योकाई इटसेल्फ, so it was, it has the reverse effect when used, yokai will come to you, okay। lighting amulet मिला था तो ये मेरे weapon को lighting damage देगा। ओह guardian spirit ले आएगा थोड़ी देर के लिए, nice। fire amulet, earth amulet, okay। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक यही रास्ता है बस। तो अब ये वाला मर गया है, तो अगर मैं बाई चांस मर भी जाता हूँ आगे तो मुझे बस वो सीढ़ियाँ उतरनी और भाग के बस यहाँ पर आना है, तो एक तरीके से शॉर्टकट ही है मेरे लिए। चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके यहाँ कुछ है नहीं, बट चमगादड़ तो खाई के पास आती है ना, नाइस यहाँ पर भी थी, तो ये जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पे चमकादड़ हैं यार।
सो ब्यूटीफुल, प्लीज टेक माई ब्लड. क्या बोल रहा है ये? यहाँ पर भी होंगी फिर. ओ रेवेनेंट, ब्लडी ग्रेव, पॉइजन टू डेथ. यहाँ पर भी होंगे, बोरी ऊपर. तुम कादड़ी है ना वो? या नहीं है? मुझे लगा यहाँ पर भी है. एंटी पैरालिटिक नीडल, इस रेवेनेंट से लड़ी लेते हैं यार. स्पीयर चला रहा है, ओके. हाई स्टैंस में है तो बहुत जल्दी अपनी की बर्न कर रहा है. एक बार इसने ले गया अपनी, बहुत ज्यादा की लेके जा चुका है अपने. रेवेनेंट स्लेयर का टाइटल भी मिल गया मेरे को. अभी भी मुझे चमगादड़ों की आवाज आ रही है. ए, तो बड़ा और खाली एरिया, ये बॉस बैटल ही लग रहा है. तो मेरे पास आइटम में सॉल्ट पड़ा है, स्टोन्स की मुझे ज़रूरत नहीं है. मैं स्टोन को हटा के कुछ और लगा देता हूँ. फायर लगा देता हूँ, आई थिंक काम आ जाएगा. अरे यूज़ हो गया गलती से, शिट. मेरे को इसको शॉर्टकट पे लगाना था. चलो अब एक ही बचा है तो आई डोंट थिंक मैं लाइटनिंग वाला लगा देता हूँ. ये मेरे पास दो ही पड़े हैं स्टोन की जगह. तो मेरा नीचे वाला पूरा ही खाली पड़ा है. सो लेट्स सी मैं वहाँ पे क्या क्या लगा सकता हूँ. एंटीडोट लगा सकता हूँ अगर बॉस के पास पॉइजन हो. स्टोन तो नहीं, इसको लगा लेता हूँ अगर उसके पास पैरालिसिस हो. और क्या क्या है बाकी? ये बॉम्ब्स लगा लेता हूँ. सॉल्ट है ही, ये लगा हुआ है. ये क्या करता है? ये तो टेम्परेरी है. एक वो था ना, योकाई स्पिरिट बुला सकता हूँ, वो वाला लगा लेता हूँ अपना. ये वाला एक ही है मेरे पास, बट स्टिल. तो चलो बॉस बैटल करते हैं. हल्की सी हेल्थ कम है बट स्टिल. चमगादड़ बॉस ही है क्या? ये कौन है? मकड़ी? काली जबान. अरे है काले दांत भी. अरे तो उड़ सकती है. इसका ये अटैक बेस करता है. अरे इसने मुझे पैरालिसिस कर दिया. कहाँ गया? ये नीडल थी ना मेरे पास. अरे ओके, सो इसके पास एक प्रोजेक्टाइल अटैक है जो पैरालाइज कर देता है. तो मुझे एलिक्सर और वो दोनों साथ में ही लगाने चाहिए. जिधर मेरा एलिक्सर लगा हुआ है वहीं पे एलिक्सर मैंने यहाँ लगा रखा है. मुझे ये सेक्रेट वाटर या सॉल्ट की जगह लगा देता है. कहाँ पर है? नीडल 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 लग गई ना. हाँ ये तो वापसी. ओके 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 ओके, मुझे लगा था मैं बॉस के ही पास हूँ बिल्कुल. जल्दी से भाग लेते हैं बॉस की तरफ. देख लिया उसने मेरे को, बट कोई बात नहीं. आई थिंक ये रास्ता था. नहीं
अरे यार चमकादड़, अरे ये क्या है? ओके और नीडल्स मिल गई है मेरे को। अरे हाँ मेरे को एक चाम भी मिला था ना पैरालिसिस वाला, मैं उसको भी पहन लेता हूँ। इक्विपमेंट में मेडिसिन केस तो रखता हूँ बिकॉज मेरे वो बढ़ाता है। ये वाला मिला है ना, वही पर्पल है, सो आई थिंक ये थोड़ी हेल्प करेगा। तो भाग लेते हैं यहाँ से, चमकादड़ के निकलने से पहले ही निकल जाएंगे हम। पहले इसको लेते हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। बात तो आ रही है, बच गए। उड़ 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 क्या मेरी तरफ, फिर कर दीजिएगा। ओके ये वाला अटैक भी मारती है। अच्छा इसी से ये वो बना रही है जो कैरल, ये वाले अटैक से फिर लात भी मारती है। इतनी बड़ी हील पहन रखी है, आ गई। अरे मेरे पास ये भी तो है, मैं तो भूल ही गया था। अरे ग्रैब कर ली, मेरा आई थिंक वो खत्म हो गया होगा। छतरी अरे तीर से इसको क्या मस्त डैमेज हुआ है। अरे ये भी नीडल मार रही है, ये गिरी। अरे यार ये ग्रैब कर लेती है, वैम्पायर गई थी। हील करने दे। ओके ठीक कर दिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता। ओके लाइटिंग, थोड़ा इसको करंट मार दे। ये बैठ गई लेकिन ये ग्रैब कर लेगी तो इससे पीछे रहना पड़ेगा। ये देखो उठते ही ग्रैब करती है। ओके तीर खत्म हो गए। तीसरी लात नहीं मारी इसने, एरोस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है इस बॉस के लिए। वैसे मैंने मारे गलत टाइम पर है। अरे यार पहले बच गया, चलो जरा सी हेल्थ बची है इसकी। अरे यार अरे यार ये नीडल से कैसे बचूंगा। ओके ब्लॉक करना इनको, आ गई। ये दो हिट मार सकता हूं मैं एटलीस्ट इसको। तो फिर पैरालिसिस, आई थिंक वो ओमनी चार्म बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है मेरे को, क्योंकि पिछली बार तो एक ही बॉल में मैं वो हो गया था पैरालाइज, इस बार नहीं हो रहा। नीडल मारेगी,
अरे ये मार दिया, यही मारे जा रही है अब, और मेरे पास हील नहीं है। आई डोंट नो इसकी हेल्थ कितनी है बहन रानी की। तीसरी लात, मरने वाली है। अगर मेरे पास तीर होता तो ये अब तक मर चुकी होती। एंड शी इज डेड। पिछले बॉस से तो बहुत कम टाइम लिए इसने, बिकॉज आई थिंक या तो मैं ओवर लेवल्ड अप हूं। आई नीड मोर ब्रिंग बोन मैन टू मी। पिछले बॉस से तो कम लिया इसने टाइम, बिकॉज आई थिंक इसकी हेल्थ भी कम थी, क्योंकि पिछले वाले की तो हेल्थ बहुत ही ज्यादा थी। उसको बिना उसका स्टेमिना कम करे कुछ हो ही नहीं रहा था, एटलीस्ट इसको डैमेज हो रहा था। आई थिंक ये इसीलिए ईजी पड़ी थोड़ी। अमृता ओपी क्या है? अमृता यार इसमें सोल्स होती है, मतलब मेरा लेवल अप इसमें अमृता से ही होता है। जो भी इस गेम में मतलब स्पेशल मूव्स हैं वो सब अमृता यूज़ करते हैं, और अपने कैरेक्टर का लेवल अप भी अमृता से ही होता है। उसका बच्चा मिल गया। मतलब बेटा तूने थोड़ी लड़ाई करी, लड़ाई तो हमने करी, तेरे से हेल्प भी नहीं करी। ठीक है हुआ। ओके स्पिरिट, ये बंदा ही गार्डियन स्पिरिट था। अरे ये जापानी। कुनिमोतो देवा तमिक्सावा क्यूशी あぶれたいズニューローフォーファイアンダーストローク天下を二分する戦が起きるであろう民のためこの戦を天下太平への戦最後の戦とせねばなるまい。 आई थिंक मेरे को एक और गार्डियन स्पिरिट मिल गई है, ये सांड वाली। पहले मुझे लगा था बिल्ली वाली मिलेगी जो हमारे पीछे पीछे चल रही थी। पोजेस्ड बाय फूज उशी वाय स्पिरिट डिविजन। पार्टी चल रही है। ये बेचारा पक रहा होगा, इसको फटे कपड़े में ही रखा हुआ अभी तक मैंने। ओहो ड्रैगन की स्पिरिट। I don't have time for this. Calm down. Everything has been taken care of. हथौड़ी आ गया। ये एक्सेंट बड़ा सही लगता है। Everything has been taken care of. हर बंदे की अपनी गार्डियन स्पिरिट है। हथौड़ी की बिल्ली है, उसकी ड्रैगन है, हमारी चिड़िया थी लेकिन अब सांड भी एक आ गई है। कांबे दोनों में हितों का वारी,妖怪が仕業と分かっておりましたな。テストレラだよ、メラ。カルゴシ。おほ、クリ。
खरगोश की गार्डियन स्पिरिट। किन नो कमी नो समुराई? लगता है इसकी गर्लफ्रेंड आ गई। योकाई योरी मेज़राशी वने। हांजो सामा नी चुताएते। चुकुजेन ताजिबाना गा रियो नी ता आयाकाशी नो हेन अरी। Who are you? I dislike the company of drunk samurai. Hey. इसका भी वही एक्सेंट है। I am no samurai. So I come on drunk. Even worse. Even worse. Deep in the shadows, Sir William, I can't thank you enough for saving Nagamasa. You have my utmost gratitude. That said, though my fellow countrymen and I have some familiarity with foreign names, I'm afraid I cannot help but find yours difficult to pronounce. Might I suggest calling yourself Anjin from now on? Hamare character ka naam Anjin ho gaya hai. It means pilot in Japanese, fitting for a seafarer. Such as yourself, I'm sure those of this land will find that easier to understand. तो इसने मुझे टोपी दी है, एक I think gun है ये और bullets. Twilight vision and ominous cavern unlocked. Mission changed to twilight mission. Okay. This is high risk, high reward twilight mission. Enemies are stronger, but you also have the chance to obtain strong equipment. You can play a twilight mission when twilight comes. Okay, तो ये level तो बहुत ज़्यादा है, 90 और 145. ये Isle of the Demons main mission है. Death to Bandits sub mission. ये मैंने नहीं किया अभी तक. Finders Keepers. इस पे भी एक sub mission आ गया है. और इसमें मेरे को smithing text भी मिलेगा. So I think मेरे को ये mission करना चाहिए. और ये एक मेन मिशन है तो सब मिशन करते हैं. एक बार डोजो देख लेते हैं. श्राइन पे लेवल अप. इस बार हार्ड करते हैं बिकॉज तलवार बहुत ही बढ़िया है. एंड ऑफरिंग रेडी जुत्सु. ये कौन सा ऑप्शन आ गया? शुरिकेन. अच्छा हाँ, मैंने खोला था ना ये. So I can use shuriken now. अभी मैं कौन सी ब्लेसिंग ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ अमृता की. 20% मिलेगा इसमें. ड्रॉप रेट बढ़ेगा इसमें. आर्मर ड्रॉप रेट. अच्छा, उसमें वेपन का है, इसमें आर्मर का है. और मटेरियल्स. ब्लैक स्मिथ. देखिए इसके पास क्या क्या है. डायलॉग. आंजिन नो कुनी नी वा दोन्ना कताना गा आरु नो. I don't believe I caught your name, Anjin. I'll try to remember that. Forge weapon. दो ही weapon. अच्छा. वो guns भी हैं. मेरे को ये दिया है. उसने cannon दिया है मेरे को. Shotgun हो गया. I think ये shotgun को hand cannon बोलते हैं. Soul mass reform. माता दो जो. Tada. तो जो इसमें तो कुछ रिवॉर्ड दिए, ये करते हैं. आ विलियम, यू हैव कम. इफ यू आर इंटरेस्टेड आई वुड बी हैप्पी टू टीच व्हाट आई डू ऑफ द वे ऑफ द निंजा टू यू. ओ आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग बट सून यू विल फेस एनिमीज अगेंस्ट हुम अ फ्रंटल अटैक वुड लीड ओनली टू अ डिजास्टर. अ निंजा हाउएवर स्ट्राइक्स फ्रॉम बिहाइंड. Our strength lies in controlling battlefield itself. Mastering our techniques will make you a greater warrior. Start करते ये वाला mission. I think ये और एक sub mission करते हैं और उसके बाद बंद करते हैं. Main mission कल करेंगे. आज एक घंटा ऐसे हो ही चुका है. हाजी में लेट्स बिगिन.
famed ninja locks. Locks of hair can be used to obtain various types of skills. Skill points. Okay. पांच निंजा पॉइंट्स मिले हैं मेरे को. तो ये और कुछ नहीं है. यू कैन रेडी निंजत्सु मैजिक एट श्राइन देन असाइन देम टू शॉर्टकट्स लाइक आइटम. ओके यहाँ पे जुत्सु रेडी करना पड़ेगा. रेडी जुत्सु शुरिकेन जुत्सु ये भी रेडी हो गया. ये भी रेडी हो गया. ये भी रेडी हो गया. ओके अब मुझे शॉर्टकट पे साइन करना है इनको. एनिमीज आ गए हैं. ए शुरिकेन इस वाले को मारते हैं. उसका सर चला गया. मैंने तो बस लात मारी थी. ये वाला देखते हैं. अरे शुरिकेन शुरिकेन अरे शुरिकेन से इसकी मुंडी टूट गई. बस छोटा सा ही मिशन था. यू हैव द नैक फॉर दिस. ओके इसने मुझे निंजा वाला गियर दिया पूरा तो शायद ये मैं पहन सकता हूँ. लाइट होगा ये बहुत. ये कर लेते हैं क्योंकि इसमें समुराई लॉक्स मिलेंगे मेरे को तो वो स्किल पॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है. ये तो सेम वही है जो पहले आया था. जब मैंने पहली बार ये मिशन चलाया था सेम लिखा हुआ है. मैं वापस से आ गया हूँ. आई थिंक अब मेरे को उल्टा जाना है. ऐसा है क्या? अरे पैसा ही पैसा. अरे यार ये क्या हो गया? लुलवा हो गया. ये तो लालच में हम मरी गए. पर ये श्राइन यहाँ क्या कर रही है? श्राइन यहाँ तो नहीं थी. थोड़ा बहुत मिशन भी शायद इन्होंने चेंज किया होगा. यार इसके पीछे थोड़ा था ना. चलो टाटा वैसे यहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है. आई थिंक अब ये मिशन उल्टा ही करना है. कहाँ से मार रहे थे वो रहा. मेरे पास है नहीं उसका फायदा उठा रहा है. क्या देख रहा था मुझे तीर लगा या नहीं? दूसरा तीर रेडी किया इसने. तो
चलो भाई बाय। ये दरवाजा तो खुला है, अंदर आई थिंक कुछ नहीं होना चाहिए। ऊपर जाते हैं, देखते हैं वो शॉर्टकट खुलता है नहीं। अब पूरा उल्टा जाना और ये पीछे से खुल गया। अरे क्या करेगा, तो ब्लॉक कर गया। स्टैमिना तो है नहीं तेरे पास। वहां पे सीढ़ियां हैं लग रहा है। नहीं आइटम है इस बार, इसी बार यहाँ कुदामा मिला था, इस बार आइटम है। बट यहाँ से शॉर्टकट जरूर है। तो देखो ऊपर चढ़ के बैठा, मैं इसको तीर से ही मार देता अगर अभी मेरे पास इस टाइम एरोज होते तो। ओके ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो यहीं से जाने में फ़ायदा, वहाँ से भीड़ होगी। यहीं से चलते हैं, देखो यहाँ नीचे बस कोई ना हो। अंधेरा कर दिया मैंने। क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, तुम सुनाओ कैसे हो? आग नहीं लगी हुई अब इस जगह पे, पहले पिछली बार पूरी आग थी। आग थी। वे तीन बंदे हैं इधर, एक बंदा वहाँ है, यहाँ ऊपर ना तीर वाला चढ़ के बैठा हुआ ये नहीं है, बट यहाँ आइटम्स हैं। और यहाँ सीढ़ी भी नहीं है, मैं वापस ऊपर नहीं जा सकता जैसे पिछली बार गया था। थोड़ा सा मैप में इन्होंने चेंजेस करे हैं, बाकी ऑलमोस्ट पूरा मैप सेम ही है। ओके इसको पीछे नहीं मार नहीं सकता, पीछे से लकड़ी है वहां पे। यहाँ पे मेरे को आइटम दिखा था जिस चक्कर में मैं आया था। ओ खुद के बैठा था बदमाश। आई डोंट थिंक यहाँ पे और कुछ है। गोलियां तो है लेकिन स्पेशल वाली है। चलो ये एक ही है। अरे यार आ गया दूसरा भी। एक्स वाले को पहले फोकस करते हैं तो मर जाएगा। अरे मारना तो उसे, उसको बचा लिया। ये भी गया भाई साहब। एक रेवेनेंट है यहाँ पे और, बट पहले इसको मार दें। ओके डैमेज तो बहुत ज़्यादा दे रहा है ये। दो, अब एक ही मारा। ये आर्मर वाले मुझे इसी वजह से बड़े गंदे लगते हैं, एक हिट में मरते नहीं है फाइनल ब्लो के बाद भी। पहले ये एरिया देखना पड़ेगा, कहीं ये रास्ता इन्होंने बंद ही कर रखा है पूरे तरीके से। सॉल्ट योकाय वाटर पॉट, या अंदर पिछली बार योकाय था, इस बार आई थिंक इस स्टेज पे योकाय नहीं है, सिर्फ बैंडिट्स का ही नाम था। तो हर जगह जहाँ पर भी अगर कोई भी होगा तो बैंडिट्स ही मिलने वाले हैं मेरे को, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। या एम्बुश ना हो बस, अभी तक तो नहीं लग रहा। आवाज आई,
फायर एमलेट मिल गया, पिछली बार गलती से यूज़ हो गया था तो वापस मिल चुका है अब। एंड ये एरिया खाली है, यहाँ पे सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए बट इस बार सीढ़ियाँ ऊपर कर दी गई हैं, उधर वाली हैं सो आई कैन गो फ्रॉम देयर। ये रेवेनेंट भी मारना है बट पहले एरिया क्लियर करना था, अब इसको मारते हैं। अंदर देख लेता हूँ एक बार, अंदर कुछ नहीं है, 13 लेवल का ही है बट सॉर्ड यूज़ कर रहा है, उदाची यूज़ कर रहा है। नहीं ये सॉर्ड है एनिमेशन भाई, ये तो बहुत फास्ट है, अपना स्टैमिना ऐसे ख़त्म कर रहा है। इसने अपना सारा स्टैमिना खुद ही ख़त्म कर लिया, मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा यहाँ पे आइटम है अंदर, स्टोन और स्पिरिट स्टोन, यहाँ पीछे आना है एक बार। यहाँ पे भी एक रास्ता है, यहाँ पे मुझे कोमोडो मिला था और यहाँ पे एक स्पेशल रेवेनेंट था, देखते हैं इस बार क्या है। इस बार योकाई है यहाँ पे, और कुछ है क्या पता नहीं, और कुछ है नहीं, तो इस योकाई को मारते हैं, देखते हैं कौन सा वाला है। ओके थोड़ा फास्ट है, नीचे गिर, कुलाड़ी वाला है सो मेरे को बच के रहना पड़ेगा इससे। रेंज की हमेशा से दिक्कत होती ही है। आजा भाई, डीमन हॉर्न में मिल गए। मेरे को एरोज अभी भी नहीं मिले हैं इवन दो मैं इतने सारे। भाई लास्ट ऑफ अस कब से खेलेगा? लास्ट ऑफ अस मैंने प्ले स्टेशन पर निकाल लिया है, 1 या 2। अगर इसमें बोरियत हो रही है तो मैं कल से लास्ट ऑफ अस ही स्ट्रीम कर लेता हूँ, लेकिन 25 से एक नई गेम आ रही है बायो म्यूटेंट करके, तो 25 तारीख को मैं सोच रहा हूँ बायो म्यूटेंट खेलूँ। एक बार गेम प्ले देखो, अगर तुम्हें सही लगता है तो मैं वो खेलूँगा, अगर नहीं लगता तो लास्ट ऑफ अस खेल लूँगा कोई भी। हाँ 1 तो मैंने वैसे खेली हुई है तो 2 खेल लूँगा, 2 मैंने ख़त्म नहीं करी अभी तक तो 2 खेल लूँगा। लेकिन मेरे पास कितने दिन है, 3, 5, 8 दिन है, 8 दिन में शायद ख़त्म हो जानी चाहिए। थोड़े लंबी स्ट्रीम्स कर लूँगा मैं लास्ट ऑफ अस की, तो गेम भी इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है कल से फिर मैं लास्ट ऑफ अस स्ट्रीम करता हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक ये किसी को भी स्ट्रीम पे पसंद आ रही है। बायो म्यूटेंट, हाँ बायो म्यूटेंट एक बार गेम प्ले देखो, उसमें क्या है हमारा कैरेक्टर एक क्या कहते हैं रिसर्च से बनाया गया होता है, तो वो रकून वकून 3-4 ऐसे चूहे जैसे से जानवरों का मिक्सचर है, बट पूरा साइबरनेटिक वॉरियर टाइप है और उसमें सब जानवर ही होते हैं और सबके सब आई मीन मार्शल आर्टिस्ट टेकी होते हैं, मतलब अच्छा गेम है, एक बार उसका गेम प्ले देखना यूट्यूब पे, सो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने प्री ऑर्डर कर रखा है, म्यूटेंट है मतलब, हाँ 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 सारे जानवर म्यूटेंट्स हैं, पावर नहीं है कोई बट जैसे ये अभी समुराई की तरह है ना, वो म्यूटेंट भी समुराई की तरह लड़ता है। रकून साउंड स्कूल, हाँ उसमें बड़ा मज़ा आता है, उसमें हम अपनी मर्जी से गेम प्ले बना सकते हैं, तो उसमें क्या है अगर मेरे को ऐसा बनाना है कि मेरा थोड़ा निंजा टाइप हो तो मैं उस कैरेक्टर को निंजा टाइप बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो बुलेट स्टाइल गेम प्ले उसका, तो बुलेट स्टाइल भी हो सकता है, मैजिक भी है आई थिंक उसके अंदर, मुझे पूरी तरह तो पता नहीं है क्योंकि गेम अभी लॉन्च नहीं हुआ है, गेम 25 को लॉन्च होगा वो, तो मैं सोच रहा था वो करूं।
बट उसमें टाइम था, मुझे लगा था रिलीज हो गया है तो मैंने बाय कर लिया था, बट वो रिलीज हुआ नहीं था, उसमें टाइम था तो बीच में फिलर के लिए ही मैं ये गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि ये गेम भी वैसे भी बहुत ज़्यादा पुराना है, आई थिंक 2017 का गेम है जो अभी मैं ये खेल रहा हूँ। बट गेम इंटरेस्टिंग है, हार्ड है, अगर चैलेंज पसंद होता है तो ऐसे गेम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के गेम्स। बस वही, अगर स्ट्रीम कर रहे हैं और व्यूअर्स को बोरिंग लग रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस गेम को स्ट्रीम करने का। शॉर्टकट खोल लेता हूँ, अरे गेम ही अटक गया क्या, ये खुलेगा ही नहीं। इसके ऊपर एक आइटम है, भाई तेरे पीसी के स्पेक्स बताना। मेरा पीसी है, मेरा पीसी ना ओवरऑल पुराना है, बस ग्राफिक कार्ड ही नया है, तो i7 है बट 4th generation है और मदरबोर्ड भी 4th generation का ही है। SMPA 650 है, ग्राफिक कार्ड है मेरा 1080 Ti, सिर्फ ग्राफिक कार्ड नया है मेरा, अच्छा है ग्राफिक कार्ड, नया भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो RTX आ चुका है, सो नया कहना भी गलत ही होगा। एंड SMPA 650 है, रैम 12 GB है, तो अभी जो भी मेरे गेम्स चल रहे हैं सब ग्राफिक कार्ड के भरोसे चल रहे हैं। ग्राफिक कार्ड कितने GB है, 11 GB। आवाज आ गई, तभी चल रहा था, हाँ सिर्फ उसी के भरोसे चल रहा है सिर्फ ग्राफिक कार्ड के भरोसे। अभी तो मेरा ग्राफिक कार्ड भी वो करता होगा बॉटलनेक, क्योंकि मेरा प्रोसेसर इतना पुराना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि प्रोसेसर नया लूँ, लेकिन लॉकडाउन ही हो गया, एटलीस्ट प्रोसेसर तो नया ले ही लूँ, मैं ये सोच रहा था, प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों ही लेने पड़ेंगे। अरे डुअल शॉट वाले ये पहली बार देखा मैंने, ओ स्टेमिना बार का ध्यान नहीं दिया चाचा आपने। ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा है वो, ठीक है RTX में तुम्हारा बस एक क्या बोलते हैं उसको, रे ट्रेसिंग ही है वो बस नहीं मिलेगी मेरे को, बाकी ग्राफिक कार्ड तो बहुत अच्छा है। और ये मैंने तब लिया था जब RTX सीरीज लॉन्च होने वाली थी 1-2 महीने में, लेकिन प्रॉपर रिलीज डेट नहीं आई थी, तो मेरे लेते ही दूसरे महीने में RTX आ गया था, तो बहुत बुरा लगा था। लेकिन बाद में जब ये 2080 आया, फिर जल्दी से 30 भी आ गया जो कि बहुत सस्ता था, 20 से सस्ता था, बहुत सस्ता तो नहीं बट 30 सीरीज जो आ गई, तो फिर मेरे को इतना बुरा नहीं लगा, बिकॉज मतलब तो ये बनता है कि गेम चलनी चाहिए साथ में स्ट्रीम होनी चाहिए, दोनों हो रहा है, अपना काम बन रहा है, और 11 GB इज़ नॉट बैड। ओके यहाँ पे फिर से रेवेनेंट है एंड लेवल 15 का है, स्पेयर वाला है, इससे रेंज बना के रहनी पड़ेगी। अरे भाई साहब पैदा होते स्पॉन होते ही डॉज, चल भाई अपना स्टैमिना खत्म करता रहेगा ये ऐसे ही मार मार के, कर 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 भाई मेरे ही मजे हैं, थैंक यू भाई। तो बेवकूफ़ होते हैं ये, नो स्टैमिना मैनेजमेंट, गेम में आ गए हैं लेकिन स्टैमिना मैनेजमेंट के नाम पे जीरो, बस मारना है, प्लेयर पास में आ जाए, प्लेयर एक अटैक रेंज में आ जाए, बस चला देना है चाहे स्टैमिना ना हो। ब्रो मैं नया पीसी सेटअप करने की सोच रहा हूँ फॉर मल्टीपर्पज, सो एनी सजेशन कि क्या स्पेक रखूँ। यार मैं तो ये कहूँगा अगर गेमिंग भी करनी है तो i5 तो रखो ही, या फिर आजकल मैंने सुना है कि AMD के भी सिस्टम बहुत अच्छे हो गए हैं, तो AMD थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और बेटर भी होगा।
ये लुकिंग सेक्सी वीरू। अरे क्या हो गया सबको आज? सब मेरे को ऐसे बोल रहे हैं, मजे क्यों ले रहे हो मेरे? आज क्या अलग है? दाढ़ी आगे थोड़ी सी इसलिए, पर ज़्यादा महंगा भी ना हो। ज़्यादा महंगा भी ना हो तो मैं तो यही बोलूँगा यार कि AMD के लिए जाऊँ। उसमें पहले प्रॉब्लम थी, बट मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं जो कह रहे हैं कि अब AMD इंटेल से बेटर हो चुका है। सो आई थिंक अगर मल्टीपर्पज़ यूज़ और गेमिंग के लिए लेना है तो AMD के लिए जाओ तुम। एंड ग्राफिक कार्ड में जो भी सबसे चीप में और सब काम करने वाला है वो है 1660 Ti। तो ग्राफिक कार्ड सबसे अभी तक जो सारी गेम्स चला देता है ढंग से वही है। और रैम 12 GB तक ही रखो या फिर 16 GB रखो, 8 GB आजकल काम नहीं करती। AMD इज़ बेस्ट। हाँ थोड़ा तो महंगा पड़ेगा। बजट कितना है तुम्हारा? बजट बताओ अपना। बिकॉज आजकल तो ये है कि अगर सिस्टम बनाना है तो एक ही बार बढ़िया बना लो, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बट हाँ अगर फाइनेंशियली हर कोई नहीं होती हर बार, कभी कभार पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं, खुद के उससे करना पड़ता है बना बना के, तो उस वजह से भी महंगा नहीं बना पड़ते, तो चीज़ें होती हैं। बट अगर सबसे चीप में जाना है, लेकिन इतना है कि तुम्हारा काम भी चल जाए, इतना रखो। ये GPU मुझे दे दे ठाकुर, बदले में 10 बार तारीफ करूँगा। 80,000 तक का, 80,000 तक का बन जाना चाहिए अगर 1660 Ti का ग्राफिक कार्ड, मतलब अगर 1660 ग्राफिक कार्ड लोगे तो। और आई थिंक अगर AMD का है तो AMD के ग्राफिक कार्ड भी आते हैं। आई डोंट नो कि AMD के ग्राफिक कार्ड का वो कैसा है, वो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं है मेरे को पता नहीं, लेकिन अभी तो वैसे NVIDIA ही छाया हुआ है। तो 1660 इज़ द चीपेस्ट एंड द बेस्ट ग्राफिक कार्ड राइट नाउ, सस्ते में बढ़िया काम करके देगा वो। और मेन जितना भी खर्चा होता है वो हमेशा ग्राफिक कार्ड में ही होता है। प्रोसेसर वगैरह सब इतने महंगे नहीं पड़ते अनलेस तुम बिल्कुल हार्डकोर प्रोसेसर के लिए जाओ। मेन खर्चा तो सिर्फ ग्राफिक कार्ड का आएगा तुम्हारा। AMD के ग्राफिक कार्ड उतने अच्छे नहीं है। हाँ AMD के इतने नहीं है, मैं भी, लेकिन उसके चीप हैं। बट वही मैं श्योर नहीं था कि AMD के कितने अच्छे हैं। अगर लेकिन अगर NVIDIA में जाना है, चीप पे जाना है, सो आई सजेस्ट यू फॉर 1660 Ti वाला देना। ऑलवेज गो फॉर Ti, वो थोड़े से ही महंगे होते हैं बट उनके नॉर्मल वर्जन से बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। अरे भाई तुमने यूज़ किया है ये ग्राफिक कार्ड, या कोई है जानने में जिसने यूज़ किया हो? कितने GB रखूँ? ग्राफिक कार्ड का ना GB से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है उसकी प्रोसेसिंग पावर से। 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी 6 GB के ग्राफिक कार्ड से बेटर परफॉर्म कर सकता है अगर वो ग्राफिक कार्ड अच्छा हो। GB से ज़्यादा वो नहीं होता। अच्छा ब्लेजर करता है, लेकिन ब्लेजर का सिस्टम कितने का है? डेढ़ का है। सिस्टम तो उसका भी महंगा ही है। ये जो ग्राफिक कार्ड कह रहे हैं ये भी महंगा ही होगा, सस्ता थोड़ी होगा। बॉम्ब भी फेंक के मारो सारे। अरे फंस गया मैं। वो मारते हैं। अरे मैं मूव हो गया। यो सामुराई,
अरे मेरे पास डॉज भी तो है, मैं तो भूल ही गया था, पैरी है मेरे पास। यो बस ये बॉस था, इस रेवेनेंट को भी मार ही लेते हैं। अरे यार मैं इस रेवेनेंट को नहीं यूज कर सकता, बॉस से पहले ही करना था। शिट यार, मैं तो यही करूंगा। एक ना साइट होती है, एक बिल्ड माई पीसी करके साइट है, तुम उस पर जाओ, उस पर जाके जो मैंने स्पेक्स बताए हैं अभी, i5 एटलीस्ट 9th जनरेशन या 8th जनरेशन भी ले लो चलेगा, बिकॉज इतना फ़र्क नहीं है इंटेल में आजकल। अगर इंटेल ले रहे हो, अगर AMD लेना है तो AMD ले लो, AMD और सस्ता पड़ेगा। और फिर अपना ये 1660 Ti का ग्राफिक कार्ड ले लो, तो वो ना बता देगा कि ये कंपैटिबल है साथ में या नहीं है, तो उधर से देख लो। उधर वो तुमको अप्रॉक्सीमेट तुम्हारा खर्चा भी बता देगा, तो तुम ऊपर नीचे करके अपनी चीज़ें जितना भी है तुम अपना रेट भी वहाँ पे देख सकते हो कि तुमको क्या प्राइस का पड़ जाएगा। तो उस साइट पे जाओ, अपना सारी कॉन्फ़िगरेशन डालो और देखो वो कंपैटिबल है साथ में या नहीं है, और प्राइस भी देख लो, तो तुम्हें एक एवरेज आइडिया मिल जाएगा। और उससे तुम्हें सस्ता ही मिलने वाला है, क्योंकि वो तो अमेज़न प्राइस के हिसाब से करता है। और तुम जब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में तुम्हें थोड़ा सस्ता मिलेगा, हर स्टेट में कंप्यूटर मार्केट होती ही है, या दिल्ली में नेहरू प्लेस है और शक्करपुर में है छोटी, तो उससे तो थोड़ा सस्ता ही पड़ेगा। तो तुम्हें एक एवरेज मिल जाएगा कि तुम्हारा कितने तक का खर्चा हो जाएगा और तुम क्या क्या परचेज कर सकते हो, तुम्हारे बजट में क्या क्या आ रहा है। बेस्ट तो वही है, तो उधर ट्राई कर लो। और आज की स्ट्रीम यहीं ख़त्म करते हैं। सबमिशन हो गया, एक और नया सबमिशन आ गया यहाँ पे, एंड मेन मिशन अभी पड़ा हुआ है, एक सबमिशन यहाँ पर भी है। अभी बहुत सारे अमृता पॉइंट्स भी पड़े हुए हैं, तो वो स्पेंड मैं स्ट्रीम पर ही करूँगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। और आई थिंक कल मैं शायद लास्ट ऑफ अस की स्ट्रीम करूँ, लास्ट ऑफ अस 2, आज मैं उसका सेटअप कर लूँगा। ये नियो अभी यहीं पे बंद कर दें, बिकॉज इट्स गेटिंग टू बोरिंग फॉर व्यूअर्स टू वॉच। तो थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग द स्ट्रीम, सी यू टुमारो। और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैं कब लाइव गया हूँ या मैंने कब वीडियो पोस्ट किया। सो थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।